नमस्कार, मैं अप्रिया। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मौसम को लेकर पूरे बिहार में आज अलर्ट जारी। बोधगया में टूरिज्म के लिए विमानों की कनेक्टिविटी बनाने पर दिया गया जोर। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी समेत कई नदियों के जलस्तर में फिर हुई बढ़ोतरी। बिहार के 3 जिलों में बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी सुविधा। स्कूली बच्चों को बुलाने के लिए नीतीश सरकार ने दिया आदेश। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मौसम को लेकर पूरे बिहार में आज हाई अलर्ट। बिहार में अगले 72 घंटे में भारी बारिश और ठंड का गिरने के आसार है। यही कारण है कि मौसम विभाग की तरफ से पूरे बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार की देर रात हुई बारिश के बाद से मौसम विभाग भी काफी सतर्क होकर काम कर रहा है। साथ ही लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। शुक्रवार के दिन पटना के ऊपर 60,000 से अधिक बार गर्जन के साथ बिजली चमकी है। यह स्थिति वैशाली, छपरा, हाजीपुर और पूर्वोत्तर बिहार के कुछ इलाकों में भी देखी गई है। ऐसा 1997 में हुआ था, जब 147 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई थी। वहीं दूसरी तरफ आपदा प्रबंधन विभाग ने वज्रपात को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, ताकि लोगों की जान सुरक्षित रह सके। आपदा प्रबंधन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में कभी भी बाहर ना निकले और लोग घरों में सुरक्षित रहे, क्योंकि राज्य भर में मॉनसून सक्रिय और वज्रपात और तेज बारिश की आशंका बनी हुई है। बोधगया में टूरिज्म के लिए विमानों की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर दिया गया जोर। कोविड 19 के इस माहौल के बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन अनिश्चित समय के लिए देखने को मिला है। लंबे समय के बाद से नई दिल्ली से गया वाराणसी के लिए विमानों का परिचालन शुरू किया गया। कोविड 19 की दूसरी लहर के बीच उसे बंद कर दिया गया था। हालांकि इन सब के बीच सांसद विजय कुमार मांझी की अध्यक्षता में एयरपोर्ट की सभागार में आयोजित सलाहकार समिति की बैठक में सदस्यों ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विचार विमर्श किया है। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि बोधगया में टूरिज्म के लिए विमानों का कनेक्टिविटी बनाना बहुत जरूरी है। बैठक में इंडिगो और एयर इंडिया के विमानों का परिचालन बंद रहने और मंदिरों के बंद रहने पर भी चिंता जताई गई है। इस बाबत सदस्यों ने कहा है कि मंदिर का पट अगर खुल जाए तो घरेलू पर्यटकों का आवागमन शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जल्द शुरू करने पर जोर दिया गया। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी समेत कई नदियों के जलस्तर में फिर हुई बढ़ोतरी। बीते दिनों हुई बारिश के बाद बिहार में गंडक और कोसी समेत कई नदियां के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा पुनपुन, बागमती और महानंदा नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखी गई है। जल संसाधन विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज जिले के डुमरिया में खतरे के निशान से 45 सेंटीमीटर ऊपर था। इसमें बढ़ोतरी लगातार जारी है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर समस्तीपुर के रोसरा से खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर था। इसके साथ ही सोन नदी का जलस्तर कोइलवर में और कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया में बलतारा में बढ़ रहा है। वहीं गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज जिले के घाट के खतरे के निशान से 45 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया है। इन 3 जिलों में बिजली के उपभोक्ताओं को मिलेगी यह सुविधा। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को अगले महीने से खास सुविधा मिलने वाली है। हालांकि यह सुविधा पहले 3 जिलों के उपभोक्ता को मिलेगी। इस बाबत ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस ने अपनी जानकारी साझा की है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि अब मोबाइल की तहत ही जितना बैलेंस बढ़ेगा उतनी बिजली खर्च करवा सकेंगे, जिसके तहत मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और दरभंगा में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी हो रही है। जानकारों की माने तो 3 जिलों में शुरुआत के समय में कम से कम 5,000 स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिसके तहत यह मीटर प्रीपेड होंगे। रिचार्ज करने पर बिजली लोगों को घरों में मिलेगी। इन 3 जिलों में पहले चरण का स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू किया जाएगा। हालांकि रिचार्ज खत्म होने पर उपभोक्ताओं को 1 से 3 दिन का समय मिलेगा, ताकि वो अपने स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कर सके। 3 दिन के बाद ही आपकी बिजली को काटा जाएगा। SET 2019 को लेकर आए फैसले के बावजूद कैंडिडेट का फूटा गुस्सा। मेरिट और नॉन मेरिट अभ्यर्थियों को एक ही कैटेगरी में रखने के आदेश के विरोध में अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए इस फैसले के बाद से लगातार SET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, SET अभ्यर्थियों ने तो कोर्ट तक जाने की चेतावनी दे दी है। अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें अभ्यर्थियों ने साफ शब्दों में कहा है कि शिक्षा विभाग ने जो आदेश निकाले हैं वो बिल्कुल गलत है। मेरिट और नॉन मेरिट अभ्यर्थियों को एक समान माना गया है, जबकि नोटिफिकेशन में मेरिट के आधार पर सीधे नियुक्ति की बात कही गई थी। इसके तहत जो भी अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में होंगे उन्हें ही उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र देकर ऑनलाइन माध्यम से बहाल किया जाएगा। स्कूल में बच्चों को बुलाने को लेकर नीतीश सरकार ने दिया आदेश। कोविड 19 के माहौल में बंद पड़े स्कूल को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। कई जिलों में स्कूल खोल भी दिए गए हैं, लेकिन स्कूल में बच्चों के आने पर अभी भी पाबंदी जारी रहेगी। स्कूल के केवल शिक्षक और कर्मचारियों को ही बुलाया गया है, साथ ही उन्हें कोविड 19 के प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया गया। नीतीश सरकार ने सभी शिक्षकों को स्कूल में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। अनुपस्थित पाए जाने पर इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शनिवार को
आदेश जारी किया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि कई स्कूल में शिकायत मिली है कि एक या दो शिक्षक ही स्कूल आए हैं और अन्य लोग नहीं पहुंचे थे, जिसकी औचक निरीक्षण कार्रवाई की जाएगी। प्रधानाचार्य को भी रिपोर्ट करने को कहा गया है। अगर शिक्षक उपस्थित नहीं रहेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। एनडीए ने प्रत्याशियों के लिए जारी की गाइडलाइन। बिहार में कोविड 19 की दूसरी लहर का प्रकोप कमजोर हो गया है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों ने भी अपने अपने तरीके से तैयारी शुरू कर दी है। इसी को लेकर बिहार भाजपा की तरफ से एक ट्वीट जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि बिहार में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों को कोविड 19 टीका लेना बहुत जरूरी होगा। इसके तहत ही गौर करने की बात यह है कि बिहार में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी का चुनाव लड़ने के लिए कोविड 19 का टीका लगवाना अनिवार्य होगा। इसे सुनिश्चित कराने का आग्रह राज्य निर्वाचन आयोग से बिहार सरकार ने किया था। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि आयोग से आग्रह किया गया है कि कोविड 19 टीका लगवाने वालों को ही चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव अक्टूबर नवंबर में करवाने की संभावना जताई है। आज से बरौनी गोंदिया स्पेशल ट्रेन का शुरू हुआ परिचालन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेनों में मजदूरों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए लंबी दूरी की ट्रेन को पूर्व मध्य रेल की तरफ से परिचालित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत आज से समस्तीपुर मुजफ्फरपुर हाजीपुर के रास्ते बरौनी गोंदिया स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए बरौनी से 27 जून और गोंदिया से 28 जून तक प्रतिदिन ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 05231 बरौनी गोंदिया स्पेशल ट्रेन बरौनी से प्रतिदिन 10:05 पर प्रस्थान करेगी और ट्रेन संख्या 05232 गोंदिया बरौनी स्पेशल ट्रेन कल से यानी कि 28 जून से अगले सूचना तक 21:15 पर प्रस्थान करेगी। ध्यान रहे, इन गाड़ियों के सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे और यात्रा के दौरान कोविड 19 के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट की साजिश का जल्द होगा पर्दाफाश। दरभंगा जंक्शन पार्सल ब्लास्ट के तार जल्द ही सोलझने वाले हैं। एसपी एनके त्यागी के नेतृत्व में जांच के लिए पहुंची एनआईए की टीम सदस्य की माने तो इस पूरी घटना की संलिप्तता पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से हो रही है। सूत्रों के अनुसार एनआईए ने सिकंदराबाद स्टेशन और वहां के पार्सल कार्यालय के फोटोज को गहनता से खंगाला है। इसके साथ ही फुटेज के माध्यम से सिकंदराबाद में संदिग्धों की मौजूदगी को भी खंगाला गया है। इस पूरे घटनाक्रम में मोहम्मद सूफियान का नाम आने के बाद जांच का दायरा कई राज्यों तक बढ़ गया है। सिकंदराबाद के अलावा झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तक मोहम्मद सूफियान के कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर किया हमला। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। ज्ञात हो, हाल ही में तेजस्वी यादव ने बिहार में एनडीए सरकार के गिरने की भविष्यवाणी की थी। उसके बाद से ही लगातार एनडीए की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। इसी बाबत संजय जायसवाल ने भी अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि उनके साथ दिक्कत यह है कि बेचारे ना तो कोरोना काल के दौरान क्षेत्र में गए और ना ही बाढ़ के दौरान आने के बाद नहीं काम करने का एक झूठी संतावना दे रहे हैं। जो खुद कभी पथ निर्माण मंत्री रहे, आज उन्हें खुद ही नाव से अपने क्षेत्र में जाना पड़ रहा है। इससे यही पता चलता है कि बिहार में अगर उनकी सरकार आ गई तो क्या होता। यादव की रिहाई को लेकर जाप कार्यकर्ताओं ने दिया करो मरो और जेल भरो का नारा। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जन अधिकार पार्टी कार्यकर्ता ने करो मरो जेल भरो के नारों के साथ अब अपना विरोध शुरू कर दिया है। इस मौके पर जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव कुमार कन्हैया ने कहा है कि एक साजिश के तहत जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव को सरकार ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। पप्पू यादव की रिहाई को लेकर आज पूरे बिहार के सभी जिलों के कार्यकर्ता पटना पहुंच रहे हैं, जो पटना के कोतवाली थाना में गिरफ्तारी देंगे। इसके साथ ही सारे कार्यकर्ता सड़क पर आंदोलनरत रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोविड 19 महामारी जैसे कार्यकाल में पप्पू यादव ने लोगों की बढ़ चढ़ कर सेवा की। आज पटना के कई इलाकों में बारिश के कारण जलजमाव है और कोई देखने वाला नहीं है। पप्पू यादव ने सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर करने का कार्य किया। यह सरकार से बर्दाश्त नहीं हुआ, यही कारण है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लालू यादव के बड़े बेटे रात 1 पहुंचे अचानक से पीएमसीएच। तेज प्रताप यादव अपने अनोखे अंदाज के लिए सुर्खियों में लगातार बने रहते हैं। इसी क्रम में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बीती रात अचानक से 1 पीएमसीएच पहुंच गए। जैसे ही तेज प्रताप यादव पीएमसीएच पहुंचे, वहां के मौजूदा नर्सिंग कर्मियों में हड़कंप मच गया। इसको लेकर खुद तेज प्रताप यादव ने ट्विटर पर जानकारी साझा की, जिसके तहत उन्होंने लिखा कि हसनपुर की जनता के हर दुख सुख में साथ रहने का वादा किया है मैंने और यथासंभव उनके साथ होने का प्रयास करता हूं। अभी रात के 1 है मैं पीएमसीएच में भर्ती हूं। अपने विधानसभा क्षेत्र के केसली ग्राम निवासी सोनी देवी, जो कि गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उनसे मिलने पहुंचा हूं। पारस गुट ने चुनाव आयोग को सौंपी 16 सदस्यीय कार्य समिति की सूची। लोजपा में जारी पारिवारिक कलह के बीच अब बंगला को लेकर लड़ाई तेज हो गई है, जिसके बाद पारस गुट ने पार्टी संसदीय दल के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस के नेतृत्व में गठित 16 सदस्यीय कार्य समिति की सूची चुनाव आयोग को सौंप दी है। पारस ने बताया कि चुनाव आयोग को पूरे बहुमत के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची जल्द सौंप दी जाएगी। राष्ट्रीय प्रदेश और विभिन्न प्रकोष्ठ की कमेटी की घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। इसको लेकर हमारी तैयारी पूरी है। जानकारों की माने तो पशुपति पारस की तरफ से चुनाव आयोग को जो नई राष्ट्रीय कार्य समिति की सूची सौंपी गई है, उसमें चौधरी महबूब अली कैसर, सांसद वीना देवी, पूर्व सांसद वीना सिंह, पूर्व विधायक
सुनीता शर्मा और अनिल चौधरी, इसके साथ ही सांसद चंदन सिंह और प्रिंस राज, पूर्व विधायक वीरेश्वर सिंह, डॉक्टर उषा शर्मा, राकेश चौधरी, रणवीर सिंह गुठा, रामजी सिंह और राजकुमार राज, हीरा प्रसाद मिश्रा, संजय सराफ, विनोद नागर के नाम शामिल है। सुरेश रैना ने अपनी बायोपिक में इस सुपरस्टार के होने की कही बात। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने अपने बायोपिक में साउथ के किसी चेहरे को लीड रोल में देखने की इच्छा जाहिर की है, जिसके तहत इंस्टाग्राम पर लाइव सेशन के दौरान उन्होंने उस एक्टर का नाम भी बताया। उन्होंने साउथ के सुपरस्टार सूर्या को अपनी बायोपिक की पहली पसंद बताया है, जबकि दूसरे विकल्प के रूप में उन्होंने दुलारे सलमान का नाम दिया है। इस बाबत रैना ने कहा कि हकीकत में मैं ऐसा व्यक्ति चाहता हूं जो उस भावना को आगे ले जाए, क्योंकि देश और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलना आसान नहीं है। मैं साउथ से किसी को चाहता हूं जो वास्तव में ऐसा कर सकता है, जो समझ सकता है कि चेन्नई और चेन्नई सुपर किंग्स मेरे लिए कितनी मायने रखती है। मेरे दिमाग में इसके लिए 2-3 नाम शामिल है। देश भर में कोविड 19 के मिले 50,000 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार देश भर में कोविड 19 के कुल मिलाकर 50,040 नए मामलों की पुष्टि हुई है और कुल मिलाकर 1258 लोग की जान चली गई, जिसके बाद बिहार में पॉजिटिव मामलों की संख्या कुल मिलाकर 3,02,33,183 पर पहुंच गई है। वहीं जान गंवाने वालों का आंकड़ा 3,95,751 पर पहुंच गया। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान 57,944 लोग अस्पताल से ठीक होकर घर वापस लौटे हैं, जिसके बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,92,51,069 पर पहुंच गई है और भारत में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 5,86,403 पर पहुंच गई। वहीं पूरे देश में 32,17,60,077 लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार तेजस्वी यादव की तरफ से किए गए एनडीए सरकार के गिरने की भविष्यवाणी सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।